हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। एक है, ये है नोटिस। देखिए, दो बातें होती हैं, कोई घटना घटती है, कोई इवेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है, उसको दो तरह से हम लोग नोटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, उसका हम पूर्व में जानकारी दे सकते हैं, पहले प्री नॉलेज, मतलब आप उस घटना की जानकारी पहले जब दें, उसके बारे में उसको ब्यौरा दें, उसके बारे में पूरा डिटेल्स दें, पहले दें, तो ये एक तरह की सूचना हो गई। और दूसरी सूचना क्या होती है कि वो घटना, वो इंसिडेंट घट जाने के बाद, उसको उसका जो वक्त है, वो टाइम समाप्त हो जाने के बाद, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो ये जो लिखना हुआ, दैट लिखना इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्ट। और जो शुरू में लिखते हैं हम उसको बोलते हैं नोटिस। तो ये दोनों तरह का जो है, जो राइटिंग सेक्शन में जो इंग्लिश का होता है, इम्पॉर्टेंट है, हम लोग देख लेते हैं। ये बिल्कुल ज़्यादातर तो आता नहीं है, ये CBSE क्लासेस में ज़्यादा आता है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, आज हम लोग बात करेंगे नोटिस के बारे में। आज हम लोग रिपोर्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स हमेशा किसी भी घटना के बाद लिखा जाता है, पास्ट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि वो घटना घट चुका होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे किसके, नोटिस के बारे में, क्योंकि ये जो नोटिस है वो पहले से दिया जाता है। कोई घटना, कोई इंसिडेंट होने वाला है, या मान लीजिए हमारे स्कूल में या हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी में कोई घटना, कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई बैठक होने वाली है, उसकी सूचना अगर हम पहले से किसी को, पूर्व सूचना देते हैं किसी को, लोगों को, वहाँ के लोगों को, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोटिस। और लिखने का तरीका क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। और ये हमेशा आपको प्रेजेंट में ही लिखना है ना, या इसको कंटिन्यूस में लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग इसको लिख सकते हैं, या सिंपल प्रेजेंट में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, जबकि रिपोर्ट को हम लोग पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। देखते हैं कैसे। तो नोटिस का जो फॉर्मेट होता है, वो सबसे पहले क्या होता है, अगर ये नोटिस का फॉर्मेट है, अगर ये पेज है आपका, तो सबसे पहले आप उस कम्युनिटी या फिर स्कूल जो भी है उसका आप नाम लिखिए, आपका जौन सा स्कूल नेम है ना, जो भी अगर आपका स्कूल है या स्कूल नेम है तो उसको आप यहाँ लिखिए, स्कूल नेम लिखिए, वो स्कूल कहाँ पर है उस जगह का नाम दीजिए, है ना। जैसे मैं लिखूँ ग्रीन फील्ड्स दिलशाद गार्डन दिल्ली, ठीक, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नोटिस, ठीक है, नोटिस लिखेंगे, और यहाँ फिर हम इसको देंगे डेट यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हम यहाँ लिखना चालू करेंगे, पूरे नोटिस को लिखेंगे जो भी हमारा नोटिस होगा, और फाइनली हम लोग यहाँ पर आकर हम इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, और जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा कि ये नोटिस कौन दे रहा है। वो अगर सेक्रेटरी है तो यहाँ वो सेक्रेटरी आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा उसका, सेक्रेटरी भी आ जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मेट, किसको लिखने का, नोटिस को लिखने का। चलिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ओके, चलिए एग्ज़ाम्पल पर। तो नोटिस का एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले, यू आर नंदिता, यू आर नंदिता द हेड गर्ल ऑफ, कौन हो, यू आर नंदिता, तुम नंदिता हो, हेड गर्ल ऑफ ग्रीन फील्ड्स पब्लिक स्कूल, दिलशाद गार्डन दिल्ली, अ ट्रैफिक सेफ्टी मूव, अ ट्रैफिक सेफ्टी मूव इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल,
द हेल्प ऑफ इसको हम लोग बिठा देते हैं. ऑर्गेनाइज बाय योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस दिल्ली. राइट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स. Informing the students of the school. चलिए आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए. यू आर नंदिता. आप नंदिता हो. आप ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल का हेड गर्ल हो. आपको चुना गया है पहले से ही जो स्कूल दिलचार गार्डन में है. और ट्रैफिक सेफ्टी मूव. एक ट्रैफिक सेफ्टी मूव किस तरह से ट्रैफिक में सेफ रहेंगे इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड. उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तुम्हारे स्कूल के द्वारा विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस दिल्ली. इसमें जो ट्रैफिक पुलिस है दिल्ली का वो लोग भी क्या कर रहे मदद कर रहे हैं. तो वही बोल रहा है कि राइट ए नोटिस. तो अब क्या करो आप एक नोटिस लिखो है ना इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल टू बी पुट अप in the school notice board. In the school notice board कहता है कि इसको है ना जो तुम लिखोगे नोटिस उसको स्कूल नोटिस बोर्ड में क्या किया जाएगा चस्पा किया जाएगा चिपकाया जाएगा. तो लिखेंगे कैसे आप देखिए. सबसे पहला काम एक बॉक्स बनेगा. हमेशा बॉक्स में बनेगा. एक बॉक्स बना लीजिए. आप बना लिए बॉक्स. आप यहाँ लिखिए सबसे पहले दिलशाद गार्डन ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल ग्रीनफील्ड्स पब्लिक स्कूल लिख लिए. यहाँ लिखिए दिलशाद गार्डन दिल्ली. ठीक. उसके बाद यहाँ लिखिए आप नोटिस. ठीक है नोटिस. यहाँ आप डालिए डेट. मैं आज का ही डेट डाल देता हूँ. तो 12th क्या जा रहा है ये नवंबर. ठीक है 2020 हम इसी को डाल देते हैं. अब यहाँ से हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that our school is organizing a traffic safety move our school is organizing a traffic safety move with the help of traffic department of Delhi Police. Okay. Traffic safety move with the help of Traffic Department of Delhi Police. Everyone is requested to join the move and
मेक इट अ सक्सेस, मेक इट अ सक्सेस. दोज हु वांट टू डिलीवर अ स्पीच मे गिव देयर नेम्स एंड क्लास टू द अंडरसाइंड, टू द अंडर साइंड. स्कूल प्रिंसिपल विल प्रिजाइड ओवर द मूव. और फाइनली इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे नीचे, यहाँ इस जगह नंदिता, और नीचे लिखेंगे हेड गर्ल, हेड गर्ल नंदिता, हेड गर्ल. स्कूल का नाम पहले आ चुका है. तो ये है आपका कंप्लीट, ये आपका है कंप्लीट नोटिस. आपको बात पकड़ में आई कि नोटिस क्या चीज़ है? हम इसको नोटिस, सबसे पहले हम लोग स्कूल का इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे, फिर यहाँ राइट साइड में डेट थोड़ा नीचे हो गया, डेट थोड़ा हम लोग यहाँ लिखेंगे 12th November 2020. हम आज का ही डेट डाल रहे हैं, इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा डेट हो जाएगा. उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे. ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म डेट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग. सारे बच्चों को सूचित किया जाता है इसके द्वारा, हेयर बाय मैंने इसके द्वारा सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, सूचना दी जाती है कि आवर स्कूल, हमारा जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ट्रैफिक सेफ्टी मूव का है ना, ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ट्रैफिक सेफ्टी मूव का आयोजन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस. किसकी सहायता से? ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस की सहायता से हो रहा है. एवरीवन इज़ रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द मूव. सबसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो इस मूव को ज्वाइन करे और मेक इट अ सक्सेस, और इसको क्या बनाए, एक सक्सेस बनाए. दोज, ये टी है, दोज हु वांट टू डिलीवर अ स्पीच, वो लोग जो एक स्पीच डिलीवर करना चाहते हैं, स्पीच उस मौके पर देना चाहते हैं, मे गिव देयर नेम्स एंड क्लास, नेम्स एंड क्लास टू द अंडरसाइंड, मतलब जो नीचे जो यहाँ नाम साइन किया हुआ है उसको अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपना क्लास दे सकते हैं अगर वो भाषण देना चाहते हैं तो. स्कूल प्रिंसिपल विल प्रिजाइड ओवर द मूव, हमारा जो स्कूल प्रिंसिपल है इस मूव को क्या करेंगे, प्रिजाइड करेंगे, इसको लीड करेंगे. प्रिजाइड से ज़्यादा अच्छा है विल लीड, है ना, विल लीड ज़्यादा अच्छा है, विल लीड ना. स्कूल प्रिंसिपल विल लीड द मूव, ठीक है ना. स्कूल प्रिंसिपल जो हैं, जो हमारे हैं, ये इसको क्या करेंगे, लीड करेंगे, है ना, इनके ही पीछे हम लोग सब चलेंगे. ये इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया, लास्ट में अपना नाम लिख दिया, कौन थी आप, नंदिता, और आप थे क्या, आपका डिजिग्नेशन क्या था, आप थे हेड गर्ल, आपने हेड गर्ल लिख दिया. तो ये आपका कंप्लीट, आपका नोटिस का पूरा फॉर्मेट आपके सामने हो गया. और ये 50 वर्ड्स का ही होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं. अगर इस तरह का कोई आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए, क्लियर है. चलिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और भी अगर कुछ चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट कीजिएगा. इसके बाद हम लोग अगले वीडियोज़ में हम लोग रिपोर्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, रिपोर्टिंग क्या होती है, रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट किसी घटना को कैसे करते हैं हम लोग लिखेंगे. फिलहाल आपने नोटिस देख लिया. अब नोटिस किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, किसी इसमें इंस्टीट्यूशन में हो, किसी स्कूल में हो, किसी वेलफेयर सोसाइटी में हो, किसी कम्युनिटी सेंटर में हो, जहाँ भी हो, अगर हम उसको पहले से किसी भी चीज़ की सूचना देना चाहते हैं तो इसको हम नोटिस के द्वारा ही हमको देना पड़ता है. और नोटिस के लिखने का तरीका बिल्कुल यही है जो आप बिल्कुल देख चुके हैं. चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय, टेक केयर.